गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास टेंथ का मैथ। और क्लास टेंथ के मैथ से हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, लेकिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको चैप्टर नंबर 10 से। ठीक है, चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे ट्राइगोनोमेट्री। ओके, ट्राइगोनोमेट्री पढ़िए या ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, जो भी एक ही बात है। तो ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे, तो ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड है इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके देखते हैं इसका मीनिंग क्या निकलता है। इसमें देखिए, अगर हम इसको दो पार्ट में कर दें, ट्राइगोनो, ठीक है, ट्राइगोनो, आगे है इधर आपको मेट्री। सबसे पहला बात देखिए कि मेट्री, मेट्री का मतलब होता है, ये मेट्री वर्ड जो है ये आपको ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया। कौन से ग्रीक वर्ड से? तो मेट्रॉन से। ओके, मेट्री वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? तो आपको मेजरमेंट होता है। क्या होता है? मेजरमेंट, जो किसी चीज को मेजर करते हैं। अब ये ट्राइगोनो, ये जो वर्ड है आपको, ट्राइगोनो वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया? ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ट्राइगोनोन। क्या है? ट्राइगोनोन। ओके, कहीं कहीं आपको ट्रिगो ही ओनली दिखाता है, ठीक है, लेकिन ये ट्राइगोनोन वर्ड से ड्राइव किया गया, ट्राइगोनो। ओके, यहाँ इसमें एन नहीं है, यहाँ एन है। तो ट्राइगोनोन वर्ड से ये ट्राइगोनो ड्राइव किया गया। तो ट्राइगोनोन ये जो वर्ड है, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू ट्राइंगल। ये कहाँ से? ये ट्राइंगल से रिलेटेड होता है। मतलब ट्राइगोनोमेट्री का मीनिंग हो जाता है आपको कि ट्राइंगल का जो भी इसका एलिमेंट्स है, पार्ट्स है, जैसे कि एंगल एंड साइड्स, यही सिक्स एलिमेंट होता है ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल का जो सिक्स एलिमेंट्स है उसी को मेजर करना, मेट्रॉन मेजर करना, ओके, ट्राइगोनोमेट्री होगा। मतलब ट्राइगोनोमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम लोग, किसी जो कोई जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एंगल और उसका जो साइड होता है उसी को, उसको मेजर करने के लिए हम लोग ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री जो है आपको सभी ट्राइंगल के लिए ये वैलिड नहीं है, ये ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। किस ट्राइंगल के लिए? राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपली इसको हम राइट ट्राइंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट ट्राइंगल। ओके, राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, सिंपली राइट ट्राइंगल। अब एक ही चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तो ट्राइगोनोमेट्री का आप मीनिंग समझ गए कि ट्राइगोनोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, और ट्राइगोनोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। तो पहले हम अब राइट एंगल ट्राइंगल का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, वैसे आप जानते होइएगा लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो एक ट्राइंगल जो हम ये बनाते हैं, देखिए जरा, ये ABC, ओके, लेट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पॉइंट B। ये B पे 90 डिग्री का बना रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ABC इज ए राइट ट्राइंगल, ABC इज अ राइट ट्राइंगल एट B। ये B पे क्या है? राइट एंगल है। अगर इसी फिगर को ऐसे बना दिया जाए, आपको ये फिगर ऐसे ही रहेगा, लेकिन ABC इधर से कर देंगे तो ये सी पर हो गया, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये फिगर ऐसे होगा तो भी ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ देखने से लग जाएगा कहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई है और जेड है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जेड पे 90 डिग्री का है। ओके, तो फिगर किसी भी तरह से हो आप राइट एंगल ट्राइंगल को पहचान जाइएगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो तीन साइड्स दिख रहा है ना, इन तीनों साइड्स का एक अपना स्पेशल नेम होता है। तो ये जो नेम है, उस नेम को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस नेम को आप याद रखिए, तब ट्राइगोनोमेट्री आप पढ़ सकते हैं। अभी हम ट्राइगोनोमेट्री का बिल्कुल बेसिक चीज बता रहे हैं, जिसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है और याद रखिए। देखिए, सबसे आप इसको दो तरीका से, इसका नेम जो, ये जो AC है इसका, इसको याद रख सकते हैं, इसका नाम क्या होता है। अब इस ट्राइंगल में देखते हुएगा कि ये वाला AC जो साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड दिख रहा होगा, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा साइड दिखता होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन ए राइट एंगल ट्राइंगल लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये जो लॉन्गेस्ट साइड जो है इसका नाम क्या है? हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस। ओके, ये याद रखना, हाइपोटेनस इज डिनोटेड बाय सिंपली H। किससे? H से डिनोट करते हैं, इसको याद रखना है आपको। तो लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का डेफिनेशन आप एक और याद कर सकते हैं, कैसे? कि साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ये जो राइट एंगल दिख रहा है ना, ये जो 90 डिग्री है, ये भी कह सकते हैं साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। किसी भी ट्राइंगल, यहाँ कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाते हैं, जैसे ये ACB अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ 90 है, तो 90 का जो ये जो अपोजिट वाला साइड कौन सा हो गया? AB, ये हो जाएगा हाइपोटेनस।
ओके, तो हाइपोटेनस का याद रखने का दो तरीका है, या तो आप ये कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस, या आप साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आप समझ गए, हाइपोटेनस को ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए हाइपोटेनस के अलावा बाकी जो दो साइड्स बच गए हैं ये आपको ए बी एंड बी सी, ठीक है, तो ये दोनों साइड्स को हम लोग लेग्स बोलते हैं, ठीक है, लेग्स, एल ई जी एस, लेग्स। लेकिन इस लेग्स का भी कुछ नेम है, वैसे मैंने आपको कहा था कि इन तीनों का एक अपना अपना नाम होता है। तो ये देखिए ये जो 90 डिग्री फॉर्म करने वाला जो साइड होगा, ठीक है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो गया, बाद में कि ये जो ए बी बच गया और ये जो बी सी बच गया, हमेशा आपको 90 एंगल बनाने वाला जो साइड होगा, जैसे ये साइड और ये साइड मिलकर 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, इधर भी 90, ये क्योंकि बी सी और ए बी ही क्या कर रहा है, 90 एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो बाकी ये दो साइड है इसमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक क्या होगा, बेस होगा। वैसे जनरली जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम लोग फिगर में देख करके उसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम ये बेस को लेकर के चलेंगे, ये हो गया बेस सिंपली डिनोटेड बाय स्मॉल बी, और ये जो आपको वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन स्टैंडिंग लाइन, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। ये पी से डिनोट किया जाता है। देखिए आपको हम बोले ना कि अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस मान लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बेस आप फिगर में जो है फिगर अगर घुमाएंगे तो ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हाइपोटेनस तो फिक्स होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर एंड बेस जो है ये आपस में इंटरचेंज होते रहेगा। बात समझे ना, परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होगा, आपस में इंटरचेंज होते रहेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये इंटरचेंज अभी तो फिलहाल बेस और परपेंडिकुलर, अब याद रखिए ये जब हम लोग एंगल पढ़ेंगे इसमें तो उसमें ये चेंज कैसे होता है, कौन सा कब परपेंडिकुलर होगा कौन सा, क्योंकि दोनों एंगल की बात है तो इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए इसमें परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस हो गया। तो फिलहाल राइट एंगल ट्रायंगल में आपको इतना कुछ याद रखना है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम यही कहेंगे कि ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, एंड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड और साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस, एंड अदर टू साइड्स आर कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड बेस। बात ठीक है, तो इतना तक ही अभी रहेंगे इस वीडियो में हम लोग, और आगे की जो भी होगा अब हम लोग ट्रायग्नोमेट्री से रिलेटेड जो न्यू टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोग पहले से भी जानते थे और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस एंड बेस के बारे में भी जानते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम बता दिए, ये याद रखिएगा, ठीक है। ट्रायग्नोमेट्री का जो मीनिंग होता है उसको याद रखिए, और इससे आगे जो अब हम लोग न्यू चीज पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक सब है जो आप क्लास 10th के लेवल के लिए पढ़िएगा, तो इसका बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।